लास्ट टाइम हमने डिटरमिनेंट में प्रूव करने वाले क्वेश्चन करने सीखे थे यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, और कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी थी. उन प्रॉपर्टीज पर हमने कुछ क्वेश्चन किए थे. आज कुछ और भी हम क्वेश्चन करेंगे. इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे. हमें प्रूव करना है, LHS को सॉल्व करना है और RHS बनाना है. देखो, इसको सॉल्व हमने इसी तरह से किया है ना. सबसे पहले हमें कुछ कॉमन लेना होगा, या तो हम ये बना दें या फिर हम ये चीज बना दें. तो 5x plus 4 भी मुझे दिख रहा है बनता हुआ, और 4 minus x भी दिख रहा है. कैसे? यदि हम इन सबको ऐड कर देते हैं, इन सबको ऐड कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? 5x plus 4. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आर वन में हम ऑपरेशन अप्लाई करें कि आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, या फिर हम सी वन में सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री ये भी अप्लाई कर सकते थे, है ना. दोनों ही सही है. इससे हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा यहाँ 5x plus 4. यहाँ भी क्या हो जाएगा? 5x plus 4. हियर ऑल्सो 5x plus 4. 2x x plus 4 2x 2x x plus 4. Now, आप क्या करना है? मैं taking 5x plus 4 common from R1 से हमें क्या लेना है? कॉमन लेना है. कॉमन ले लेते हैं. कॉमन लेने के बाद हमें जो मिलेगा 5x plus 4 तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या मिलेगा? 1 2x 2x 1x plus 4 2x and 1 2x x plus 4. अब क्या किया जा सकता है? हमें 4 माइनस एक्स बनाना है. तो इसके लिए हम ये अप्लाई कर देते हैं. जो C1 है, इसमें C1 में से C2 माइनस कर देते हैं, एंड C2 में से C3 माइनस कर देते हैं. इससे क्या होगा? 5x plus 4 तो बाहर पहले से है हमारे पास. ये माइनस होगा, 1 माइनस 1 0. 2x में से वो माइनस होगा, तो x माइनस 4 बचेगा, और यहाँ अगेन मिल जाएगा 0. यहाँ 1 माइनस 1 0, x प्लस 4 में से 2x माइनस करेंगे तो 4 माइनस x, और यहाँ से ये माइनस करेंगे तो मिलेगा x माइनस 4. 1 2x x plus 4.
अब हमें फिर से कॉमन लेना है, टेकिंग 4 माइनस एक्स, ये कॉमन चाहिए, वो भी दो बार चाहिए, 4 माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम सी वन एंड सी टू, इन दोनों में से दोनों एक एक बार कॉमन आएंगे तो डबल टाइम्स कॉमन आ जाएगा, तो बाहर क्या मिलेगा 5x+4 और 4 माइनस एक्स को 2 टाइम्स कॉमन लेंगे तो स्क्वायर आएगा, अंदर क्या बचेगा 0 1 0 जी ये माइनस वन बचेगा, दिस इज वन दिस इज माइनस वन, 1 2x x+4। हम चाहें तो यहाँ पर भी एक्सपांड कर सकते हैं डायरेक्ट, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा, बट बेटर होगा कि हम पहले कॉमन ले लिया करें जो हमें प्रूव करना है और फिर हम एक्सपांड करें, तो ऐसे अच्छा दिखता है, गलत नहीं है पहले भी कर दो तो, पर जितना पॉसिबल है हम उतनी प्रॉपर्टीज अप्लाई करके हमें कॉमन ले लेना चाहिए। अभी ये मिल गया तो अब क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे, एक्सपांडिंग यूजिंग किस पर करें, आर वन के अबाउट कर लेते हैं, यूजिंग मतलब अबाउट लिखना चाहिए हमें, अबाउट आर वन के अबाउट एक्सपांड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 5x+4 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर, अंदर 0 माइनस 0 प्लस 1 1 आएगा तो फिर 1 माइनस 0, अल्टीमेटली हमें ये मिल गया 5x+4 × 4 − x² एंड थ्रू। तो इस तरह सबको हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन में, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ये सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर तरीके से ही होगा, जल्दी से इसको सॉल्व कर दूं। जिसका भी हो जाए मुझे मैसेज कर देना।
कंप्लीट हुआ किसी का? हमें यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम केवल रो में अप्लाई करें या फिर कॉलम में स्टार्ट कर दिया तो कॉलम में करें। ये हम कहाँ करते थे, जो मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते थे। तो मैट्रिक्स का जब इन्वर्स निकालते थे तो फर्स्ट में यदि रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया है तो बाद में सभी रो में अप्लाई करना है, और यदि स्टार्टिंग कॉलम से किया तो सभी में कॉलम से करना है। बट डिटर्मिनेंट में ऐसा कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हम कभी भी कॉलम लगा सकते हैं और कभी भी रो लगा सकते हैं एक ही क्वेश्चन में। ऐसा भी कर सकते हैं, एक बार रो एक बार कॉलम, एक बार रो एक बार कॉलम, तो इसमें कुछ भी रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सीक्वेंस ओके वाला कंप्लीट हो गया, तो फिर solve this one. यहाँ 3 times a plus b plus c हमें कॉमन लेना होगा।
ओके कंप्लीट हो गया सभी का। ये हो गया देन इसको ट्राई कीजिए। आई थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी 12th वाले में, तो यदि कुछ प्रॉब्लम है तो देखो हम कैसे करेंगे, मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ R1 में अप्लाई कर दो R1 प्लस R2 प्लस R3। इससे क्या होगा, ये बन जाएगा 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये रहेगा एक्स स्क्वायर और ये एक्स, 1 एक्स स्क्वायर एक्स 1 डिटरमिनेंट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, टेकिंग 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन फ्रॉम R1। वन प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या बचा, 1 एक्स स्क्वायर एक्स
अब इतना आ गया हमें 1 माइनस एक्स क्यूब बनाने के लिए, हमें 1 माइनस एक्स और चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करेंगे उसमें हम क्या कर सकते हैं, सी टू में करो सी वन माइनस सी टू एंड सी थ्री में अप्लाई करेंगे सी थ्री माइनस सी वन। इससे क्या फायदा होगा, बाहर तो है हमारा 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर सी वन में तो कोई चेंज करना नहीं है हमें, ये बन जाएगा 0, ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये हो जाएगा 0 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स, इस तरह से बनेंगे। इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 1 0, इस तरह लिखते 1 एक्स स्क्वायर एक्स 0, यहाँ से क्या होगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ये मिलेगा। x कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 1, यहाँ से क्या मिलने वाला है 0, x कॉमन लिया x माइनस 1 एंड 1 माइनस एक्स। अब हम हमें कॉमन मिल जाएगा यहाँ से 1 माइनस एक्स, लिखेंगे टेकिंग 1 माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम सी टू एंड सी थ्री, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसको जब कॉमन निकाला तो डबल आएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 एक्स स्क्वायर एक्स 0, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स 0 माइनस एक्स और ये 1। अब क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सपांड करना पड़ेगा, कॉमन तो निकलेगा नहीं, तो आर वन के अबाउट एक्सपांशन कर देते हैं, एक्सपांडिंग अबाउट आर वन, आर वन के अबाउट एक्सपांड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो यहाँ 1 और इसके अंदर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस एक्स, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस इसका इधर, तो माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ प्लस आना चाहिए था, माइनस कहीं मिस्टेक तो नहीं, हाँ यहाँ पर एक जगह मिस्टेक की हमने, ये एक्स में एक्स स्क्वायर माइनस होगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आएगा क्योंकि ये एक्स है और उसमें ये माइनस हो रहा है, इसलिए यहाँ 1 माइनस एक्स लिखा जाएगा। वन माइनस एक्स और इसीलिए ये जो एक्स है क्या होगा, प्लस का होगा, तो ये भी प्लस का आ जाएगा, आगे माइनस 0 प्लस 0, तो फाइनली हमें क्या मिल गया, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर और 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। इसको कंबाइंड फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर, और ये चीज हो जाएगी 1 माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था। तो आई थिंक सभी का हो गया होगा और ये समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए सॉल्यूशन में। हम फिर अनदर क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा सा टिपिकल दिख रहा है,
ट्राई कीजिए।
है।